अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि क्लैट पीजी 2025 के अंदर पीएसयूज के थ्रू एक जॉब पाना चाहता है तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है, बिकॉज इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बिकॉज पीएसयूज के लिए आपको अंडर 30 रैंक अपनी लानी पड़ती है जनरल कैटेगरी में, और उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए आपको एटलीस्ट 85 मार्क्स चाहिए इस एग्जाम के अंदर, जो कि काफी ज्यादा टफ होता है। और इस चीज को एग्जैक्टली आपको कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट से फोकस करना है, क्या आपकी रूटीन होनी चाहिए, कैसे आपको सब कुछ करना है, एवरीथिंग आई विल टॉक इन ग्रेट डिटेल। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक पूरा देखिए, आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करना है, एक बार ब्रीफ में शुरू करेंगे हम लोग पेपर पैटर्न को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे टोटल पेपर जो है आपका 120 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, मतलब 2 घंटा यहाँ पे आपको मिला। अब यहाँ पर अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग को भी यहाँ पे लेके चलना है, और साथ में आपको ये भी एक बात कंसिडर करनी है कि हर साल जो पेपर का पैटर्न है वो फिक्स नहीं होता है। समटाइम्स 12 पैराग्राफ 10 क्वेश्चन दे देंगे, कभी कभार 20 पैराग्राफ 6 क्वेश्चन, कभी कभार 24 पैराग्राफ और 5 क्वेश्चन दे देंगे। तो आपको तीनों पैटर्न के लिए, चारों पैटर्न जो भी वो लोग इस बार सोचेंगे कि हमको करना है, आपको तैयार रहना है। सो अकॉर्डिंगली दूसरी चीज ये भी आपको देख के चलनी है कि अभी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, ये सब भी आपको पढ़ना है, केस लॉज को भी आपको देख के चलना है। हर बार जो बैलेंस होता है कि कभी वो लोग बहुत ही पीछे के आपके लेगेसी केसेस पूछ लेते हैं, कभी कभार वो लोग पूछेंगे एकदम रिसेंट में जाके, तो आपको हर पैटर्न में तैयार रहना है, बिकॉज यू हैव टू स्कोर 85 एंड अबव। और उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप हर हर सर्कमस्टेंस के लिए रेडी रहो। तो इसीलिए यहाँ पे वी विल बी टेकिंग अ स्ट्रेटजी दैट विल इनकम्पस ऑल दीज फैक्टर्स इन टू कंसिडरेशन। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैलेंडर का। देखिए यहाँ पे आपके पास अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो आपके पास अभी मान लो 4 या 5 तारीख यहाँ पे होगा, और एग्जाम कहीं ना कहीं आपका दिसंबर में होना है, या तो मान लो आपके दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में होगा। तो विच मीन्स आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सीधे सीधे 9 महीने बाकी हैं। अब आप एक बात को मान के चलो कि आपको अपना पहली बार किन चीजों को कवर करना है, कैसे करना है। फर्स्ट इज फाउंडेशनल स्टडीज, बिकॉज देखिए बिना फाउंडेशनल स्टडीज के आप अगर केस लॉस पढ़ने सीधे चले गए, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली आपको जो फाउंडेशन अपनी डेवलप करनी है वो इस लेवल पर डेवलप करनी है कि जब आप एक मॉक पेपर देने जाओ और आपने मान लो बेसिक केस लॉस पढ़ ली, आपने अपनी फाउंडेशनल स्टडीज कर ली, तो कम से कम आप मॉक पेपर के अंदर एक एवरेज मॉक पेपर में 55 से लेके 60 मार्क्स लेके आओ, ठीक है। दैट हैज टू बी योर बेसिक सेट क्राइटेरिया कि आप अपनी बेसिक पढ़ाई में इतना करो, और ये चीज आपको अपनी पढ़ाई के 4 महीने के अंदर करनी है। 9 महीने भले हो आपके पास, आपको 4 महीने में इस स्टेज तक आना ही आना है, अनलेस यू वॉन्ट कि आपको एक अच्छा यहाँ पे रैंक मिले, अंडर 30 रैंक मिले। 85 तक आपको टारगेट लेके चलना है, तब जाके 75 तक आप लेके आओगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि 4 महीने में आपको ये स्टेप खत्म करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जब केस लॉस की स्टडीज की बात आती है, तो जब मैं बात करूँ बेसिक केस लॉ पढ़ने का फाउंडेशनल स्टडीज के साथ, आई एम नॉट सेइंग कि आप एक एक केस पढ़ो जाके 2021 से लेके 23 तक सारे रिसेंट केसेस पढ़ लिए, सारा लैंडमार्क केस पढ़ लिया, वो आपको नहीं करना। बस देखो बेसिक केस बेसिक थीम्स के साथ, जैसे आर्टिकल 14 है तो उसके अंदर जितनी थीम्स, आर्टिकल 15 है उसके अंदर जितनी थीम्स है, इंदिरा साहनी के अंदर आप अगर घुसोगे तो उसके साथ मल्टीपल ब्रांच आउट होता है, कभी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का हो रहा है, कभी 50% का वो थ्रेशोल्ड कॉस्ट हुआ कि नहीं हुआ, कभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एवरी पर्टिकुलर डिटेल हैज टू बी नोन। वो बेसिक पढ़ाई होती है। फिर जब आप केस लॉस की स्पेसिफिक पढ़ाई पे जाते हो तो आपको थीम्स मिलती हैं अलग अलग हर उसमें, ठीक है। आपको फिर इन्वायरमेंटल लॉ में जैसे आप बात करते हो, वहां पे आपको अलग अलग थीम मिलेगी। कभी आप बात करते हो कि जो आपका एमसी मेहते वाले ट्रस्ट पेजियम वाला केस है, वो एक अलग थीम आपको पकड़ के बैठा है। कभी आप बात करते हो कि जो टेनरीज वाला केस था कानपुर वाला, वो आपका एक अलग एंगल पकड़ता है। मतलब हर एंगल अलग अलग आपको पता होना चाहिए, और उसका जो इंटरकनेक्शन है विद द करेंट रिजीम वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कॉमन कॉज का जो आपका पैसिव यूथनेशिया वाला पूरा मैटर है, इसके अंदर बैक टू बैक आपके जजमेंट्स आए, अरुणा शनोभाग, उसके बाद आपका कॉमन कॉज 1, उसके बाद कॉमन कॉज 2, उसकी पूरी रेंज, पूरा सब कुछ क्या हुआ पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे कंपनी लॉ में चले गए, कंपनी लॉ के अंदर इफ देर इज एक जजमेंट जो कि कोर्ट ने दिया, ठीक है, जिसमें मतलब साइरस मस्त्री वाला जो जजमेंट अभी अभी 2024 के पेपर में आया था, उसके पहले क्या हुआ, व्हाट वाज द होल सिनेरियो इन दैट, भले 2022 का केस हो, यू हैव टू नो दैट। सो फॉर दैट टू हैपन यू एटलीस्ट नीड 4 मंथ्स ऑफ प्रॉपर
केस लॉ स्टडी प्रिपरेशन 4 महीने पूरे चाहिए आपको, ये जान लेना। तो 4 महीने फाउंडेशनल स्टडीज के आपके पूरे जाएंगे, 4 महीने प्रॉपर केस लॉ की स्टडी को जाएंगे, और इस प्रॉपर केस लॉ की स्टडी में ना सिर्फ आपको जो लैंडमार्क केसेस हैं जो कि आप एक थीम वाइज सीरीज वाइज पढ़ोगे, जिसमें आपको पुराना नया सब कुछ देखना है, आपको रीसेंट भी पढ़ना है। तो मतलब आप 2020 के, 2021 के, 22 के केसेस सबके सब जो आपके हर सब्जेक्ट के अंदर आए हैं वो आपको सारे देखने हैं। और उसके बाद जब आपने ये काम कर लिया है तो आपको पैरेलल में एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन की तगड़ी प्रैक्टिस उसमें करनी है, बिकॉज जो आपका 1/3 पेपर होता है वो आपका आंसर पैराग्राफ के अंदर से आता है। एंड इफ योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी इज नॉट गुड, यू वोंट बी एबल टू क्रैक द पेपर, बिकॉज यू आर वर्किंग अपॉन यहाँ पे वो, जहाँ पे नॉलेज जो आपकी है वो आपको 60 मार्क्स तक ला के दे देगी, 60-65 तक भी लेके आके दे देगी। फिर जो आपका कॉम्पिटिटिव एज आता है ना, वो 5-10 नंबर का जो पूरा ये एक सिस्टम बनता है, वो बनता है आपके कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी से। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के सही से आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हो, बिकॉज देखो पैटर्न वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप मान लो तैयारी करके हो कि आपको 24 और 5 पैराग्राफ की तैयारी है, यू आर प्रिपेयर्ड विद दिस माइंडसेट कि हाँ भाई मेरे को 24 पैराग्राफ मिलेंगे, मैं उसके हिसाब से धड़ पैराग्राफ पढ़ते हुए अपना आगे बढ़ूंगा। आपको मान लो 12-10 का पैटर्न वहाँ मिल गया, तो आप क्या करोगे, पैराग्राफ पूरा पढ़ोगे, एक एक उसमें जाओगे, फिर एक क्वेश्चन को देखोगे, डीट में क्वेश्चन आएगा, नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बी रेडी। और वो माइंडसेट डेवलप करने के लिए मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस और कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा एसेंशियल है, और कम से कम आपको 35-40 मॉक पेपर्स मैं रेकमेंड करूंगा लगाने के लिए बिफोर दैट, ठीक है। बिकॉज उसके बिना अगर आप जा रहे हो वहां पे पेपर देने, इट वोंट वर्क, मेरी बात मानो, इट वोंट वर्क, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस किसी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। बिकॉज आप जब अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हो कॉलेज के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप अभी बेसिकली एकदम उस पर हो। कोई स्टूडेंट जो कि जुडिशरी की तैयारी पिछले 3 साल से कर रहा है, वो आपके कंपैरिजन में कहाँ पे होगा, और आप अभी कहाँ पे, मुझे ये बता दो। या फिर मान लो कोई वो स्टूडेंट जो कि पहले से क्लैट की तैयारी 1-2 बार कर चुका है, उसकी रैंक पहली बार में 500 आई, फिर अगली बार उसको जब देगा एग्जाम तो उसका बेटर होगा कि आपका स्कोर बेटर होगा, आप खुद सोच के बता दो मुझे। तो आपका जो लकुना है प्रिपरेशन का, आपने अभी कोविड बैच में आप हो, आपने पढ़ाई नहीं करी, आपको कोर सब्जेक्ट्स अभी नहीं आते, तो आपको पढ़ाई अभी करनी पड़ेगी। एंड फॉर दैट टू हैपन यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ, और राइट नाउ स्टार्ट करो 4 महीने पहले फाउंडेशन को खत्म करके। मॉक पेपर्स जब अपना लगाओ 55-60 नंबर लेके आओ, और फिर जब केस लॉस की स्टडी डीप में करो 4 महीना प्रॉपर, उसके अंदर उसके बाद जब जाओगे तब आपको एक बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे मिलेगा। दैट इज द ओनली स्ट्रेटजी दैट यू हैव टू गो बाय, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक्स यहाँ पे क्लियर कर दी कैसे आपको ये पूरा फंडामेंटल काम करना है। आपको मैंने टाइमलाइन भी कहीं ना कहीं मोटा मोटा समझा दिया, इसको करना कैसे है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक 4 साल का जो पेपर्स जो लास्ट उसमें आए हैं उनका एनालिसिस समझो। देखो जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, ज्यूरिसप्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें से हर बार क्वेश्चन आया है विदाउट एनी गैप, विदाउट किसी उसके। फैमिली लॉ बस एक ऐसा सब्जेक्ट इसमें कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, उसको आप हटा सकते चाहो तो। बाकी फिर आपका क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, एनवायरमेंट लॉ, ये भी वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन हर बार आए। इसमें भी आपका भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता और आपका सुरक्षा संहिता, जो भी आपका तीनों है वो आपका आएगा। और उसके अलावा जो मिसलिनियस सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका प्रॉपर्टी, टैक्स, लेबर, एक्सेट्रा वगैरह सब कुछ आपका आता है, इसमें एनवायरमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगा। तो आपको जो अपनी पढ़ाई करनी है तो आपको जो मेजॉरिटी अपना टाइम देना है वो आपको देना है कोर सब्जेक्ट्स में, बिकॉज वहाँ से सारा क्वेश्चन आने का टाइम है। और उसके बाद अपने माइनर सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ रहे हो तो उसको भी आपको अच्छे से करना है। एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि जब आप कॉलेज में अपने थे तो कॉलेज में आपका एक कोई ऑनर्स का वो रहा होगा, आपका मान लो क्रिमिनल लॉ में ऑनर्स है। जो आप पढ़ाई करो यहाँ पे वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने जो सेक्टर है, जो आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट नहीं है उसमें आप ज़्यादा टाइम दो, और जो आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको पहले से आते हैं उनमें आप कम टाइम उस हिसाब से दोगे। 4 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना है, दैट इज द फंडामेंटल। यहाँ पे देख लो, अगर आप बात करते हो कि किस पर्टिकुलर अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं इस हिसाब से कि थीम्स के हिसाब से, तो 4 थीम्स में इसको डिवाइड करने को आपको कहूंगा अपने सिलेबस को। बिजनेस लॉज, क्रिमिनल लॉज, आपका अदर्स में फैमिली, इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिसप्रूडेंस वगैरह आ जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर लेबर, एनवायरमेंट, कॉन्टेंप्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, आर्बिट्रेशन, और वो सब कुछ आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर डिवाइड करते हो उस हिसाब से तैयारी करना आसान होगा। तो जब मैं अब इसके आगे स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि आपको अब आगे कैसे जाना है, आई विल बी डिवाइडिंग द सब्जेक्ट्स इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, और उसके हिसाब से मैं आपको पूरा समझाऊंगा। दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट, दैट इज द बेस्ट वे बाय विच यू कैन गो विद दिस, बिकॉज हर जो आपका क्वाड्रेंट है उसको पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है, जो तरीका है, वो हटके होगा, अलग होगा, ठीक है। बिकॉज केस लॉज का जो आपका डेंसिटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ज्यादा होगा, बिजनेस लॉ में उतना नहीं होगा, क्रिमिनल लॉ में ज्यादा होगा। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो देखना पड़ेगा। इसके बाद अगर मान लो आपको प्रिपरेशन करनी ही है और अच्छे से करनी है, मेरे साथ मिलकर करनी है, बिकॉज यहाँ पे देखो आप अगर पूरे आप 9 महीने प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अपना PSU निकालना है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक इट विद अ गाइडेड अप्रोच। और मान लो आप नहीं पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहते हो तो आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में CAT PG के उसमें आ सकते हो। यहाँ पर हम लोग आपको
जब आपका मान लो क्लैट पीजी खत्म होता है तो उसके बाद अगर आपको पीएसयूज के अंदर भी हेल्प चाहिए इंटरव्यू वगैरह में क्रैक करने के लिए, वो भी मैं पर्सनली वहां पर रहता हूँ, मैं प्रोवाइड करूंगा। वैसे भी मेंटोरशिप आपको मैं पूरी दूंगा, यहाँ पे हम लोग आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो आपके हैं वो पूरे पढ़ाएंगे वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में, जो आपका भारतीय न्याय संहिता दंड संहिता सब कुछ आने वाला है वो भी पूरा हम लोग पढ़ाएंगे। केस लॉज भी हम लोग थीम वाइज पूरी वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में पूरा पढ़ाएंगे। साथ ही में मॉक पेपर्स आपको टोटल 50 मिलेंगे, 100 आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स होंगे वो भी आपको पूरा देंगे। तो आपका बिल्कुल जिसको कहते हैं ऐसी प्रिपरेशन कराएंगे कि आप थक जाओगे प्रिपेयर करते करते, लेकिन मटीरियल यहाँ पे हम लोग का खत्म नहीं होगा। इतना हम लोग कहीं ना कहीं डेप्थ में जाते हैं पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी जो प्रिपरेशन होती है उसमें हम लोग कोशिश पूरी ये करते हैं कि लाकुना ना छूटे ताकि आप बढ़िया स्कोर कर पाओ। तो आपको अगर एनरोल करना है इन वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे कोर्सेज, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कोर्स का प्राइस अभी 6000 रुपीज है। इसको अगर आप चाहो, अगर मार्च में अभी आप हो और आप अगर मान लो इस वीकेंड तक एनरोल करते हो, आज जैसे 4 तारीख है, 4 तारीख के बाद अगर आप एनरोल करते हो तो यहाँ पे ये 5499 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो भी आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको करना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। बाकी हम लोग आगे बात करते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यहाँ पे होने के वाली है। जैसा कि मैंने पहली बात कहा, एनालाइज करिए अपनी प्रिपरेशन को हर सब्जेक्ट के केस में। जैसे आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट है, मान लो क्रिमिनल लॉ में आपका ऑनर्स है, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे आप अच्छे हो, आपको वो नहीं आता है बिजनेस लॉज उतना नहीं आता, क्वाड्रेंट वो आपका कमजोर है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है, इसमें आपको कम टाइम देना है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैसा आता है आपको, आपने मान लो कोविड में पढ़ा था तो उसका आपका हो सकता है इंपैक्ट उतना ना हो, आपको उसके केसेस उतने ना आते हो, तो उसके हिसाब से एक एक चीज़ को नोट डाउन करके पूरा प्लान बनाओ कि यार ये क्वाड्रेंट मेरा मजबूत है, ये मेरा हल्का, ये मेरा ज़्यादा, ये मेरा कम। और अभी मैं सारे सब्जेक्ट्स भी नोट डाउन करवा दूंगा जो आपको हर क्वाड्रेंट में देखने हैं, उसके हिसाब से बनाना अपनी पूरी स्टडी, ध्यान रखना। पहला काम ये होगा। दूसरा काम, अब ये देखना शुरू करो कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सब्जेक्ट आता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हम लोग करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसको रेड में करा है। इसकी प्रिपरेशन अगर 4 महीने में करने जा रहे हो तो आप ये नोट डाउन करो कि मेरा प्रिपरेशन कितनी से ज़्यादा टाइम इसी में जाएगा। तो कम से कम इसको 15 से लेकर 20 दिन आपको प्रॉपर देने हैं। इसके अंदर जब आप पढ़ाई करो तो आपको जो भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा पढ़ना है, यू डोंट हैव टू स्किप पार्ट फोर या पार्ट फोर ए, इस तरीके का काम मत करना, पढ़ना पूरा। जस्ट जो ये होता है कि इंपॉर्टेंस जो होती है, जैसे मान लो पार्ट फोर कर रहे हो तो पार्ट फोर के अंदर बस डीपीएसपी क्या होता है, उसके जो आपके आर्टिकल्स के वो हैं, जो मेन मेन सेक्शन के जो आपका वो है टाइटल है वो याद कर लो, उसमें दिया क्या है वो याद कर लो, कोई केस लॉ है वो याद कर लो, आगे बढ़ो। जैसे अभी यूसीसी अगर मान लो अभी डिबेट में चल रहा है तो यूसीसी का अच्छे से पढ़ लो कि यूसीसी के आर्टिकल में दिया क्या हुआ है, उसके अंदर के क्या कंडीशंस है और उसको लाने के पीछे इंटेंट क्या था, जो आपका प्रीएम्बल में जब आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी तो इंटेंट क्या था, वो सब चीज़ें पढ़ लो। हो सकता है उसका पैराग्राफ आ जाए, आपको उसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो आपको पता हो। इस तरीके से आपको पढ़ के चलना है और आपको केस लॉज अच्छे से करने हैं, थीम वाइज केस लॉ सारे करने हैं। और उसके बाद जब आप उसके केस लॉज की पढ़ाई पे आओगे वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखो लेबर लॉ जो है आपके, इसके अंदर ये वाले आपके एक्ट्स जितने वो आपको पढ़ के जाने, ठीक है, इनके अंदर सीधा सीधा फंडा है, आपको कैसे बेयर एक्ट पढ़ना है उसके अंदर आप कुछ मत करो। जैसे आपका ये यूएपीए का एक्ट है मान लो, इसके अंदर आप सबसे पहले तो एक अपनी बेयर एक्ट खोलो और उसमें जाके पहले तो एक्ट को लाने के पीछे हिस्ट्री क्या थी, क्यों लाया गया, उसके जो बेसिक आपके फीचर्स हैं कि एक्ट को जो बनाया गया है वो बनाया गया है कि इस पर्टिकुलर ये एरिया ऑफ लॉ को ये डील करता है। मान लो मिनिमम वेजेस एक्ट है तो वो डील करता है कि क्या क्या वेजेस किसी पर्टिकुलर आपको उस फैक्ट्री किसी को दिया जाएगा, उसके पीछे क्या कंडीशंस होंगे, कैसे वो वर्क करेगा। जैसे यूएपीए की बात करते हैं तो इसमें जैसे डेफिनेशन क्लॉज दिया हुआ है, वो डेफिनेशंस हैं, फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की जो वो होती है वो आपका मेन यहाँ पे बुलेट पॉइंट होता है, जिसके ऊपर केस लॉज भी ज़्यादा आते हैं वो आपको पढ़ लेना है। फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और इंडिविजुअल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, वो मेन हो गया। उसके बाद जो ऐसे आपके केसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो थोड़ा फसल हो गया, के नजीब हो गया, उसको आपने पढ़ लिया, उसके जुड़े हुए आपके जो सेक्शन से उसको आपने ध्यान से देख लिया, तो मतलब कि स्केलेटन आपने बना लिया, वो आपका काम वहां पे कर देगा। सेम चीज लेबर लॉ के साथ है, आप लेबर लॉ के जाओगे कोई भी अच्छी किताब उठाओ वहां से उसको पढ़ लो, मेन मेन जो ऐसे केसेस है आपके वो आपने देख लो, बेयर एक्ट का मोटा मोटा जो सेक्शन ठीक ठाक आते हैं वो पढ़ लो, काम आपका हो जाएगा, उसको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जब एमसीक्यूज और मॉक पेपर्स लगाओगे तो अपने आप वो चीज आपका रिवाइज होगा। जैसे सेम चीज के बाद एनवायरमेंट लॉ के अंदर भी आपको एक्ट को देखना है, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन को देखना है, ये आपको करके जाना है। इसको आप पूरे क्वाड्रेंट को आप मेरी बात मान के चलो 1 महीने में खत्म करो, दैट इज इट, इसका कोई वो नहीं बनता। इसके बाद जो अगला क्वाड्रेंट है वो है आपका बिजनेस लॉज का, और इसके अंदर जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है सीधा सीधा। इसके अंदर भी जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे पढ़ रहे हो तो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, स्पेसिफिक लीफ एक्ट हो गया, ये आप साथ ही में पढ़ोगे। उसके बाद आपका पार्टनरशिप एक्ट हो गया, यही आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही पढ़ोगे। फिर अपना लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी हो गया, वो भी आप कहीं ना कहीं इसमें डाल सकते हो। तो उसके साथ आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनआई एक्ट हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, कॉम्पिटिशन एक्ट, ये सब हो गया, साथ में पढ़ोगे। कंपनीज एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट के साथ आप जो है टैक्स लॉ वगैरह जो है
कंबाइन करके कहना कहीं चलोगे, उसको आप अपनी पढ़ाई कर लोगे। तो इस तरीके से आपको कहना कहीं सारा का सारा मिला के करना है, और इसको भी आप करीब एक महीने में खत्म करो। ठीक है, चार क्वाड्रेंट है, चार क्वाड्रेंट के हिसाब से एक एक महीना हर क्वाड्रेंट को दो और उसको खत्म करके चलो। बेसिकली केस लॉस को करना है उसको करना है। यहाँ पे देखो केस लॉस के साथ फंडा क्या है कि इतना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंपनी हो गया, टीपीए वगैरह हो गया, यहाँ पे बेसिक बेसिक रहता है। यहाँ पे जो आपका रीसेंट के अंदर होता है ना, उसका कनेक्शन उतना नहीं होता, उतने ज्यादा रीसेंट केसेस इस पूरे फील्ड में आते नहीं। आते हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक केसेस के, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल केसेस आते हैं। तो आपकी जब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छी होगी तो ही आप उन टेक्निकल केसेस को पढ़ के एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बता पाओगे कि हाँ यार, जब ये पैराग्राफ मेरे पास मान लो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का आ गया, अब उसको अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपका दिमाग एकदम मतलब उसकी दिमाग के ऐसे हवा हो जाएगी। बिकॉज आप पैराग्राफ पढ़ोगे, पैराग्राफ के बाद जब क्वेश्चन देखोगे, तो अगर आपको ये नहीं पता है कि सीआईपीआर प्रोसेस क्या है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे अंडर एनी सर्कमस्टेंस विदाउट नोइंग दैट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर इसके पॉइंट्स हैं, उसको आप पहले जानो बिजनेस लॉस के अंदर, और फिर ही जब आप केस लॉस पढ़ोगे तो आप कोई पैराग्राफ यहाँ पे सॉल्व करने की हालत में रहोगे। तो बिजनेस लॉस के अंदर तो प्रैक्टिस बहुत मांगता है गुरु, स्टडी बहुत मांगते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान से पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ध्यान से पढ़ना है, टीपी सबको ध्यान से पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला आपका क्रिमिनल लॉज होता है। देखो क्रिमिनल लॉज के अंदर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस अपने को आप नहीं पढ़ना है, अपने को आप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय वो सबको जो है वो आपका पढ़ना है, और इसके अंदर वो सब नहीं रहेगा। फंडा वाज डिफरेंट यहाँ पे ये रहेगा कि इसके अंदर आपके जो सेक्शंस वगैरह हैं, जो आपके उसे कॉन्सेप्ट है सेक्शंस की, जो आपके इलस्ट्रेशंस है, वो सारे के सारे सेम है, बस आपके जो नंबर्स हैं वो अब यहाँ पे ऊपर नीचे हो चुके हैं। तो आप जाओ जो आपका नया वाला बैर एक्ट है उसको उठा के खोलो, और उठा के उसके सेक्शंस को एक तरफ से पढ़ना शुरू करो, और अपना जो नोट्स वगैरह आपने पहले से मान लो बना के रखे होंगे उनको रिफ्रेश करो, उनको रिवाइज करो। ये आपका मेन यहाँ पे काम अभी होता है। उसके बाद जो आपके ये वाले आपके एक्ट्स हैं, PMLA हो गया आपका, प्रोबेशन ऑफ विंडोज एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस हो गया, UAPA हो गया, इनको आपको उसी स्टाइल में पढ़ना जैसे मैंने आपको UAPA का भी समझाया था कि बेसिक जो आपके कोर पॉइंट्स हैं, जो कोर आपके सेक्शंस हैं, जो कि एक पर्टिकुलर केस लॉ जो इंपॉर्टेंट आया तो उसमें कवर है, उसको पढ़ लो, बाकी छोड़ दो, बाकी को उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जब अपना मॉक पेपर्स आप लगाओगे तो उसमें आपका अपना ऑटोमेटिकली जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली वो रिवीजन फेज में आप उसको निपटा लोगे, टेंशन मत लो, चार महीना उसके बाद ही बाकी होगा, सिंपल सी बात है। तो इसको भी आप जॉब कोशिश करो कंप्लीट करने में, एक महीना आपको लगेगा ही लगेगा मोटा मोटी, उसको करो। इसको भी थोड़ा लेट में करना, मेरी बात मानो, इसको भी लेट में करना, बिकॉज अभी भारतीय न्याय संहिता इस समय भी हो सकता है इलेक्शन के बाद चेंजेस आए, चीजें हो, तो अभी इसको थोड़ा लेट में करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अभी मत करो, बाद में करना, अभी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिजनेस लॉस को पहले करो मेरे हिसाब से, इसको थोड़ा सा बाद में करो तो बेटर रहेगा। उसके बाद आपका अदर लॉज जो होते हैं, इसमें आपका देखो यार इंटरनेशनल लॉ और जुरिसप्रूडेंस सबसे पहले आ जाता है। ये दो वो सब्जेक्ट है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसके अंदर आप चाहे जितनी पढ़ाई कर लो आपको कोई यहाँ पे कुल मिला के समझ लो छुटकारा नहीं मिलेगा अपने भूतों से, ये बात ध्यान रखना। बिकॉज what is required is कि जैसे मान लो जुरिसप्रूडेंस आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको शुरुआत से पढ़ना है कि जुरिसप्रूडेंस क्या है, फिर उसके बाद स्कूल ऑफ जो आपके जुरिसप्रूडेंस है वो कौन से, उसमें किस तरीके से लॉ को डिफाइन करा, कैसे पोजीशन ओनरशिप, कैसे आपने बाकी चीज़ों को डिफाइन करा वो आपने समझा, हर आपने स्कूल के थ्योरिस्ट जो आपके हैं जुरिस्ट हैं उनको आपने समझा, फिर उसके बाद आपके सामने जब पैराग्राफ आएंगे तो वो उन जुरिस्टों के नहीं होंगे जो कि आपने पढ़े होंगे, ये उन जुरिस्टों के होंगे जो कि थोड़े से गुमनाम टाइप के, ठीक है, बिकॉज क्लैट क्या गुमनाम टाइप के जुरिस्ट को उठा के उनका पैराग्राफ देने की सोर्स आपको पता भी नहीं लगेगा क्या आया, और आपको वहां पे बस एक एजुकेटेड गेस लेना है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ये एनालिटिकल स्कूल से कहने की बिलोंग करता है, तो उसके हिसाब से आप अपने दिमाग के अंदर लाओगे ऑस्टिन को, बेंथम को, और फिर आप उठा के उस पेपर को सॉल्व करना शुरू करोगे। उसमें वहां पे जो खेल होगा वो होगा पैराग्राफ के अंदर रीड करके उसके अंदर से आंसर निकालने का, एंड दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज रिक्वायर्स टू थिंग्स, जुरिसप्रूडेंस की एक बहुत ही इनडेप्थ नॉलेज ऑफ ईच आपका प्रिंसिपल, एक एक डॉक्ट्रिन, एक एक उसका अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और उसके साथ में आपके जो मॉक पेपर्स उनकी एकदम डेप्थ के साथ प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया स्कोर करोगे, बिकॉज वहां पे समझ लेना ब्लीडिंग एज के आपको काम करने हैं, बिकॉज टॉप 30 में जब आपको आना है ना तो आपको एक्सक्यूज नहीं है कि सर मेरा पेपर खराब चला गया, सर पेपर में ऐसा लेंथ आया था मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाया, दीज एक्सक्यूजेस वोंट वर्क, ये ध्यान रख लेना। आपके पास कॉर्नर्स कर करने का कोई यहाँ पे चांस है नहीं, तो मेरे को ये मत बताना कि सर मैंने देर से पढ़ाई शुरू की थी इसलिए मेरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, डैट एक्सक्यूज वोंट वर्क। मैं भी यहाँ पे समझ लो कोई आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे नहीं बता दूंगा अभी से 5-6 महीने बाद कि हाँ या 3 महीने में PSU क्रैक कर लोगे, हो ही नहीं सकता। शुरुआत करनी है अभी से, पढ़ाई की शुरुआत करो अभी से, क्रैक करना शुरू करो, बाद में मेरे पास प्लीज रोते हुए मत आना यार आप लोग, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इस चीज को, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ, एक एक महीना एक एक क्वाड्रेंट की प्रिपरेशन में लगेगा, ये ध्यान रख के चलो। तो यहाँ पे उसी हिसाब से इंटरनेशनल लॉ भी सेम चीज है, जुरिसप्रूडेंस भी सेम चीज है, इन दोनों की प्रिपरेशन के लिए 15 दिन दो, बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा और अपना कॉपीराइट वगैरह आराम से आपका हो जाएगा, कोई ऐसी है नहीं, फैमिली लॉ भी बहुत बड़ी चीज नहीं, मुस्लिम लॉ मिला के कर लोगे, नॉट अ वेरी बिग डील, कर लोगे।
ठीक है, इसमें जो केस लॉस का जो फंडा आता है, तो देखो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो आपके करंट इवेंट्स चलते हैं वो आपका कहने के इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको करके चलना पड़ता है, वो एक चीज़ है। और आईपीआर वगैरह को कर लोगे ठीक रहेगा। फैमिली लॉ के अंदर भी रिसेंट केस लॉस काफ़ी आते हैं, तो उनको भी आपको करके चलना है। और सेम चीज़ यहाँ पे इसके साथ भी है कि अभी जब समझ लो कि क्रिमिनल लॉ के अंदर अभी जब ये इम्प्लीमेंट होगा जुलाई के पहले हफ्ते में, जब इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कई सारे ऐसे सेक्शंस होंगे, एक्ट्स होंगे, मतलब जो आपके वो होंगे उनको चैलेंज करा जाएगा सीधे सीधे, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। उसके अंदर की इंटरप्रिटेशन अभी कोर्ट निकालेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा भसड़ मचने वाली है। आपको कई ऐसी दिक्कतें यहाँ पे चेंजेस आपको मिलेंगे। तो मेरा ये सलाह रहेगा कि आपका जो कोर कंसेप्ट है आईपीसी पी सीआरपीसी एविडेंस का, आप उसको कोर कंसेप्ट के हिसाब से भी पढ़ना शुरू करो। मतलब आप जैसे जनरल एक्सेप्शन पढ़ रहे हो, आपने पढ़ लिया भैया मिस्टेक क्या होता है, इंसैनिटी क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, वो सब चीज़ें क्या होती है, वो सब आपने पढ़ लिया, प्राइवेट डिफेंस आपने पढ़ लिया, लेकिन वो किस सेक्शन में दिया है वो मत पढ़ो, उसको कहीं ना कहीं भी गायब कर रखो। कंसेप्ट पढ़ लो, मर्डर पढ़ लो, कल्पना होमिसाइड पढ़ लो, वो सब पढ़ लो, बट सेक्शन को भुला दो, सिंपल एज दैट। कंसेप्चुअल स्टडी इज इंपॉर्टेंट, बाकी सब कुछ नहीं। एविडेंस के साथ भी सेम है, सीआरपीसी के साथ भी वही सेम रहेगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं बस, और कुछ नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपको अगले जो आपका 5-10 महीना बचा है उसमें आपको करना कैसे है अपनी प्रिपरेशन को। सबसे पहले बैराक उठाओ, बैराक के अंदर जाओ, बैराक के अंदर से सारे के सारे जितने भी आप कोई भी अपना जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको उठा के उसका जो भी इंडेक्स है उसको पहली बार तो नोट डाउन करो। उसके बाद एक कोई अच्छी सीरीज ऑफ बुक्स उठाओ, चाहे आप संभव लो में वहाँ से ज्वाइन कर लो, चाहे कोई अच्छी बुक उठाओ, ए के जैन उठाओ, चाहे जे एन पांडे उठाओ, जो उठा रही वो उठाओ, और उसके हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू करो। माइनर लॉस के लिए आपको बुक्स मिल जाएंगी, ऑनलाइन नोट्स मिल जाएंगे, उसके थ्रू करो। यूट्यूब का इस्तेमाल करो, अगर आपको जल्दी जल्दी लेक्चर्स के थ्रू खत्म करना है वो करना है, और बाकी वो करो। दो सेट ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन करो, जहाँ पे केस लॉस को एक साइड पे लिखो, और जो आपका कोई भी मान लो केस आप लैंडमार्क केस पढ़ रहे हो, लैंडमार्क केस का कोशिश करो कि लैंडमार्क केस का जो बेसिक बेसिक फंडा है वो आप एक तरफ नोट कर रहे हो, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ नोट कर रहे हो। उसके बाद कोशिश ये करो कि जो भी आपने पढ़ाई करी है ठीक है, उसको साथ आप ऑनेस्ट रहो। उसको ये कोशिश मत करना कि मैं स्किप कर दूंगा ये पार्ट, स्किप कर दूंगा वो पार्ट, या फिर मैं अभी 4 महीना पढ़ाई करूंगा फिर 4 महीना नहीं करूंगा, या ऐसे करूंगा वैसा करूंगा, शॉर्टकट ढूंढूंगा, नहीं होने वाला। यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद योर सेल्फ, और हर दिन आपको कम से कम ये समझ के चलना कि 4 से 5 घंटे देने हैं अपनी पढ़ाई को। उससे काम अगर आप दोगे तो आपका काम यहाँ पे नहीं चलने वाला, मान के चलो मेरी बात। 4 से 5 घंटा रोजाना देना है, डोंट स्किप योर प्रिपरेशन। उसके अंदर में आप पहली बार 4 महीने के अंदर वो खत्म करिए जो मैंने आपको कहा कि अपना बेसिक जो पढ़ाई है वो। फिर जब आप केस लॉस की पढ़ाई करोगे तो उसमें आपको दो तरीके के केसेस पढ़ने होते हैं। लैंडमार्क केसेस का मैंने आपको थीम वाइज समझा दिया कैसे करना है, रिसेंट केसेस आपको 2020 से लेके अभी तक के सारे पढ़ने हैं, प्लेन एंड सिंपल, उसमें कुछ नहीं करना है। उसकी पढ़ाई के लिए भी मैंने जैसे कहा रजिस्टर्स का सेट मेंटेन करो, जो आपके लैंडमार्क केसेस है उनके नोट्स बनाना शुरू करो, हर उसके अंदर जो नोट्स बना रहे हो उसके अंदर नोट करो कि मेन हेडिंग क्या थी, डिस्क्रिप्शन उसका थोड़ा सा नोट करो, फिर उसके अंदर मेन पॉइंट्स है वो नोट करो, उसके पीछे किसी से नोट करो। 4-5 पन्ने के हर केस के नोट बनेंगे ठीक है, हर टॉपिक के साथ उसके नोट्स को जाके पूरा वो करो, मतलब अटैच करके पूरा चलो, तब जाके काम बनेगा। रीसेंट केसेस के लिए भी एक एक पन्ने के नोट्स बनाओ, या फिर आप मान लो आधे आधे पेज के नोट्स बनाओ, बट नोट मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट मेकिंग से याद बहुत होता है। और ये काम आपको 4 महीने में करना है, पहले के 4 महीने पढ़ाई करो, फिर 4 महीने केस लॉस की स्टडी करो, उसी के अंदर मॉक पेपर्स भी अपने दबा के दो, 30-35 मॉक पेपर से पहले काम मत बोलना। और जब इतना कर लोगे तब कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आप कहीं ना कहीं रेडी हो पीएसयूज के लिए, इतना लेवल ऑफ प्रिपरेशन लगता है। आई हैव टोल्ड यू आपको क्या करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मतलब डाउट्स है कुछ पूछना है आप मुझे अकॉर्डिंगली यहाँ पे संभव लॉ में कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, वरना फिर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको कहना कहीं मैं आपको बता देता हूँ, 9555-896-908, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपकी गाइडेंस करने की कोशिश करूंगा, वो सब कुछ रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर सक्सेस, बाय।